fundamental rights. We want fundamental rights. We want fundamental rights. मैं फला हूँ, बेसिकली मैं अभी नीट की कोचिंग कर रही हूँ और हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बोला गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद करो, स्विच टू ऑनलाइन। हम कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे? आई वॉन्ट गवर्नमेंट गिव द आंसर कि हम लोग अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो हम ऑफलाइन कैसे एग्जाम देंगे। एंड ये कोई फर्स्ट क्लास का एग्जाम नहीं, नीट है, पर पूरी स्टेट लेवल पे सिर्फ हम नहीं दे रहे, बहुत बच्चे दे। एंड मुझे एक बात बताइए, ठीक है ऑनलाइन स्विच करेंगे, ओके फाइन, वी आर ओके, बट अब टीचर्स का सोचो ना, हम लोग कैसे कितनी क्लासेस दे, हम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे क्लासेस दे, फिर हम पढ़े कब? हम अपनी लाइफ, हमारी लाइफ इफेक्ट हो रही है इसे। अगर चलो माना ऑनलाइन किया भी हमने स्विच, जो टीचर्स है वो 1000 बच्चों को सेम चीज़ पढ़ा रहे, हम सेम अपने डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे ऑफलाइन में? ऑनलाइन में हम ऑफलाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम क्लास में जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम टीचर्स को अपने डाउट्स बोलते हैं, वो क्लियर करते, लेकिन ऑनलाइन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ना ही स्टूडेंट के लिए ना टीचर के। हमारी 11th में लॉकडाउन हुआ, हमारी 12th में हुआ, एंड नाउ अगेन दे आर सेइंग कि लॉकडाउन हो। मुझे बताइए पब्लिकली कहाँ लॉकडाउन है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो सब जा रहे हैं और इतने बच्चे हैं और हम बच्चे, सिर्फ हम लोग को सफ़र करना पड़ता, स्टूडेंट्स आर सफरिंग एवरीवेयर, मॉल्स, दुकान, शॉप, सब कुछ, आप देखिए बसेस सब ओपन है, सब में बहुत भीड़ होती है। गवर्नमेंट वहाँ क्यों नहीं जा रही है? लाल चौक अभी जाइए आप, वहाँ देखिए लाल चौक में, वहाँ गवर्नमेंट क्यों नहीं है? वहाँ लॉकडाउन नहीं है, वहाँ कोविड नहीं फैलेगा, एग्जाम के टाइम कोविड नहीं है, हमारी तब हेल्थ रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, हमें तब कुछ नहीं हो सकता था, आज अभी हम पढ़ने जा रहे तो हमारे पास कोविड है और हम काफ़ी मच्योर स्टूडेंट्स हैं, हम अपनी हेल्थ कैसे, हमें पता है कि हमें सैनिटाइज खुद को करना है, हमें कैसे प्रिकॉशंस लेने, वी आर नॉट किड्स एनी मोर एंड गवर्नमेंट इज ओनली टेलिंग इस लॉकडाउन लॉकडाउन। व्हाई दिस लॉकडाउन? बाहर कहीं भी लॉकडाउन नहीं, आप पहले पूरा सब कुछ बंद करिए, देन कम टू एजुकेशन। हम लोग हैं जो अपनी सोसाइटी को चेंज करेंगे, आप लोग हमारा फ्यूचर खराब करें, आई एम सॉरी, सोसाइटी कभी चेंज नहीं होगी, वी विल बी स्टिल बैकवर्ड। मेरा प्रोटेस्ट इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये लोग क्यों हमें बोल रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन स्विच करें? अगर हमें ऑनलाइन स्विच करना है, इन्होंने जो ऑर्डर निकाला है, तो उस ऑर्डर में ये लोग क्यों बोल रहे हैं आपके एग्जाम फिर ऑफलाइन मोड पे होंगे? ये वो चीज़ क्यों बोल रहे हैं? हमारा 11th भी वैसे गया, हमारा 12th भी वैसे गया, हमारा नीट, हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग को नीट भी अब ऑनलाइन पढ़ना है, फिर ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम हम इनको ऑफलाइन देंगे? और पहली बात, जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जब इन्होंने स्टूडेंट का फ्यूचर इस चीज़ में डाला, इतनी डार्कनेस में डाला, तो ये कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम कल को इनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे? और अगर इनको कोविड का थ्रेट इतना है, तो ये पहले फ्लाइट्स क्यों नहीं बैन कर रहे? दिल्ली में कोविड के केसेस कश्मीर से ज्यादा है, तो दिल्ली की फ्लाइट्स कश्मीर में क्यों आ रही है? उस चीज़ पर आप बैन क्यों नहीं लगा रहे हो? स्टूडेंट्स ही हमेशा क्यों फेस करेंगे? एजुकेशन सिस्टम को क्यों ही टारगेट आप करोगे? हमें पढ़ना है, हमें पढ़ने दो, हम हमारा फ्यूचर खुद बनाएंगे और वो फ्यूचर हम ऑफलाइन मोड बना सकते हैं, हम ऑनलाइन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अब आपकी डिमांड्स क्या है? जो इन्होंने ऑनलाइन का बोला, लॉकडाउन हमारे ट्यूशन क्यों बंद? हम नहीं करेंगे। जब आपके रेस्टोरेंट्स खुले, आप लोगों के मॉल्स खुले, आप लोगों के सारी शॉप्स खुली, आप उस चीज पे बंद नहीं कर रहे, हम क्यों बंद? हमारे ट्यूशन क्यों बंद? हमारा फ्यूचर क्यों बंद कर रहे हो? आप लोग किस चीज पे बंद कर रहे हो? हमारे फ्यूचर को आप एक डार्क मोड पे क्यों डाल रहे हो? आप हम लोग के साथ खेल रहे हो, आप हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ खेल रहे हो, आप कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ खेल रहे हो, हमें इस चीज का जवाब दो। अगर आपको ओमिक्रॉन का थ्रेट इतना, आप लोग फ्लाइट्स क्यों नहीं बैन कर रहे हो? मेरा मोटिव वही है।